बैठे मुसाफिरों से लूट और चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले दो बदमाश आज रेलवे पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं, जिन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजने की तैयारी कर ली गई है। झांसी रेलवे स्टेशन तथा ट्रेनों में लगातार बढ़ रही चोरी की घटनाओं पर सख्ती से कार्यवाही करते हुए शनिवार को क्राइम ब्रांच और जीआरपी थाना पुलिस ने स्टेशन परिसर में गश्त के दौरान दो शातिर बदमाशों को दबोचने में सफलता हासिल की है। दोनों लुटेरे टिकट लेकर ट्रेन में चढ़ते थे और मौका पाते ही महिलाओं के पर्स व अन्य कीमती सामान छुड़ाकर चंपत हो जाते थे। पकड़े गए बदमाशों ने पूछताछ में बताया कि उन्होंने बचपन में ही घर छोड़ दिया था। पढ़े लिखे ना होने की वजह से काम भी नहीं मिल पा रहा था, इसलिए उन्होंने इस गलत रास्ते को चुना। ट्रेन चोरों का एक गिरोह सक्रिय था, जिस पर हमारी CIA टीम और GRP झांसी थाना झांसी की टीम लगी हुई थी और इस टीम ने सर्च करके और पतारसी सुरागरसी करके इस गैंग के दो लोगों को गिरफ्तार किया है। नूर मोहम्मद और मुन्ना, ये दोनों बाराबंकी के हैं, मूल रूप से बहराइच के रहने वाले हैं और बहराइच में के दो और क्रिमिनल जो अभी गिरफ्तार नहीं हो पाए हैं उनकी तलाश में हमारी टीमें गई हुई हैं। रेलवे पुलिस इन बदमाशों के साथ और भी अन्य बदमाशों की तलाश में जुटी है। इस सराहनीय कार्य के लिए पुलिस अधीक्षक रेलवे ने टीम को 5,000 रुपये के इनाम से सम्मानित किया है। ये ट्रेन में जनरल टिकट लेकर के ट्रेन में चले जाते थे और रात्रि के समय धीरे से ट्रेनों में रेकी करके और देखते थे कि जिसके पास जेवर आदि सामान है उसका सामान पार कर लेते। न्यूज़ बुंदेलखंड के लिए झांसी से मनीष अली की रिपोर्ट।